प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा सरकार की सख्ती के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। नए वायरस ओमिक्रॉन के लहर की आशंका को देखते हुए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। ये तस्वीरें फतेहाबाद के रतिया की है, जहां टीकाकरण करवाने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भरत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों में भी वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह है। वे खुद ब खुद आकर टीका लगवा रहे हैं और इसके साथ ही जिन लोगों को कोई डर या वहम है, उन्हें डॉक्टरों की टीम समझा कर घर घर जाकर टीकाकरण करवा रही है। गुड आफ्टरनून। ये भी जो वही उसी जो हम कोविड वैक्सीनेशन कर रहे थे उसी के स्तर में, जो 1 जनवरी से हरियाणा सरकार द्वारा कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थानों में वहाँ पे एंट्री बैन है, उस चक्कर में लोग अब भारी तादाद में आ रहे हैं, रस हो रहा है। तो इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही लगाई जा रही है। इसमें फर्स्ट डोज भी लगा रहे हैं, सेकंड डोज भी लगा रहे हैं, जिसकी ड्यू सेकंड डोज है कोवैक्सीन के 28 दिन बाद और कोविशील्ड की 84 डेज बाद, उनके सबको डोज दी जा रही है। वैक्सीन स्टॉक है, लोगों से मेरी यही अपील है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं, ताकि नया जो थर्ड लेयर का जो खतरा बना हुआ है उससे भी लोगों को बचाया जा सके और अपने खुद की सुरक्षा की जा सके। तो क्या लगता है कि लोगों में किस तरह का उत्साह है या डर है, कैसे मानते हैं? लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोगों में जिसके थोड़ा बहुत मन में वहम है या जो घबरा रहे हैं, तो वो जो सिविल हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर से परामर्श लेके उनकी देख रेख में वो टीके लगवा रहे हैं और काफ़ी उत्साह है लोगों में, लोग बहुत भारी मात्रा में वैक्सीन से। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि इस टीके का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इसमें खुद की भी सुरक्षा है और दूसरों की भी सुरक्षा है, इसलिए टीकाकरण के कार्य में लोगों को कोताही नहीं बरतनी चाहिए बल्कि खुशी से टीकाकरण करवाना चाहिए। प्रथम तहलका के लिए रतिया से सुनील कुमार की रिपोर्ट।